हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का लास्ट वीडियो होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन वन। प्रतिशत क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क यहां लगा है, मतलब अपने मन से हम लोग क्या मान लेंगे यहां पे यक्स। क्वेश्चन के 5/6 के 25% का 60% 630 है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो जो वो कह रहा वो करते जाएंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के स्थान पे एक्स लिखिए, और का के लिए क्या आता है? गुणा, ये 5/6 हो जाएगा। के 25% माने 25/100, का 60% माने 60/100, बराबर दिया है 630। तो ये क्वेश्चन की मार्क के स्थान पे कितना होगा ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम प्रयोग किया क्या एक्स। ध्यान दें, जितना के का उच्चारण होता जाएगा केवल गुणा चिन्ह आप लगाते चले जाएंगे। 25% 60% इस टाइप कुछ लिखा रहता है, 25/100 60/100 होता है, और के 5/6 का गुणा कर देंगे। हाँ, तो बस यही एक्स कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन ही है, देखें 6 × 10 = 60, इससे ही आपका ये कैंसिल हो गया। ये तो नीचे हो रहा है 1000, तो चलिए एक्स बराबर गुणा कर दीजिए। तो ये 630 गुणे 219 में 119 में 1000 तेरे गुणा करेंगे, ये होगा बटे ये 5 × 25। हमें लगता है केवल इतना ही बचा हुआ है, तो यहां पे ये काम करना होगा। तो 25 × 100 40 हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया, इतना हो गया। तो चलिए 8 गुणा कर लीजिए, 8 × 0 = 0, 8 × 3 = 24 के 4 हासिल, 2 8 × 6 = 48, 2 8 × 6 = 48 = 50 हो रहा है। तो हाँ विद्यार्थी, 5040 आया हमारा, और इसमें ऑप्शन ई 5 ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट होगा। ध्यान दें, तो बहुत आसान सवाल था, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था चारों ये क्लियर, ये नहीं इसके आंसर नहीं दिया, 5 ऑप्शन दिया था इसमें तो। लेकिन अब के जितने कॉम्पिटिशन होते हैं सब 4 ही ऑप्शन रहते हैं, 5वां ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये 5वां ऑप्शन यहां सही था, कोई नहीं, हो सकता 3 दिया रहे, एक हटा के इसके स्थान में क्या लिख दे, कोई नहीं। तो इसमें से कोई आंसर ये नहीं है 5040, तो कोई नहीं वाले पे टिक लगाना होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, 2000 के 5% का 5% कितना होगा ये बताना है। चलिए देखते हैं, देख ये हल करते हैं। 2000 का 5% माने 5/100 का 5%, फिर 5/100, ये सब यही कैलकुलेशन कर लेना है आपको अपने आंसर के लिए। देखते हैं कितना आता है, तो 1, 2, 3 तो 0 यहां से कट जा रहे हैं आपके, यस, और 2 × 5 = 10, 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं, तो 5% ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो परसेंटेज के सवाल केवल बस इस टाइप से आपको सरल करना है, काटना है, और जहां जहां का वैल्यू आता जाए वो गुणा करते चले जाना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए, तीसरा सवाल कह रहा है 500 रुपए का 20% का 15% का 10% होगा, कितना होगा ये बताना है। तो जो कह रहा है हमें करना है 500 रुपए का माने गुणा, 20% मतलब 20/100 का 15% मतलब गुणा, का जहां जहां आता जाए तो गुणा करते चले जाइए, 15% का 10% फिर 10/100, ये कह रहा कितना होगा। तो ये तो सोल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा कितना होगा, बस यही इतना सवाल था हमारा। तो यस, तो यही कैलकुलेशन हमको करना है। तो ये तो यहां से हम काट सकते हैं, ये
एक जीरो यहां से कट गया है और एक जीरो यहां से कट गया है। तो पांच दुनी दस, एक जीरो यहां से कट जाएगा, 15/10 केवल आ रहा है, तो हो जाएगा 1.5 रुपया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब बहुत ही सरल सवाल था, इस टाइप से आप आसानी से कर सकते हैं। का उच्चारण केवल गुणा करते चले जाइए, प्रतिशत 10%, 15% इस प्रकार जहां से आए 15/100 इस प्रकार से करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या क्या है, यक्ष है, ये लिख के चलेंगे। किसी संख्या के 30%, तो संख्या यक्ष हो गया, 30 के फिर आया के 30% माने 30 से गुणा, 30/100 हो गया। का 5% माने 5/100 कितना है 18। किसी संख्या कह रहा है, तो माना संख्या यक्ष है, तो यक्ष के 30% का माने फिर गुणा हो गया, 5% किसका है 18 है, वो आंसर दिया है, तो संख्या क्या होगी, तो माना संख्या यक्ष है, यक्ष का 30% का 5% 18 है, तो 18 के बराबर कर दिया। अब ये कैलकुलेशन करना है आपको अपने आंसर के लिए, यस। तो इससे ये सफाई से यहां गुणा हो गया, अब ये तिरे गुणा कर देंगे, नीचे वाला यहां जाएगा, तिरे गुणा होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 18 × 10 × 100, और नीचे आप कर देंगे 3 × 5, यस। तो ये 3 × 6 = 18 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 भी हम लोग कर सकते हैं, तो 6 × 12 और 100, तो ये आ गया 1200। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, तो ये सब टाइप सवाल बड़े आसान होते हैं। एक चीज और विद्यार्थी, कई कभी कभी ये होता है कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यू दूसरा दे देता है, जो वो सोल्यूशन में वैल्यू प्रयोग करता है वो दूसरा प्रयोग कर देता है, तो जाहिर है कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू गलत होता है, तो ऐसा वो कर देते हैं बहरहाल, और सोल्यूशन में दूसरे वैल्यू प्रयोग करते हैं तो जाहिर का आंसर फर्क पड़ने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो पूछेगा उसका हम लोग, जो हम लोग द्वारा हल हो रहा है, ये 100% करेक्ट है। हाँ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए, पांचवा सवाल कह रहा है 130 का प्रश्नवाचक प्रतिशत बराबर है 10.4, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, क्वेश्चन के स्थान पर क्या होगा, तो मान लेते हैं 100%, यही वैल्यू हमसे पूछा है 130 का माने का मतलब गुणा हो गया, प्रतिशत कितना 100%, तो 100/100 बराबर 10.4, 130 का यक्ष प्रतिशत बराबर 10.4, तो यक्ष के स्थान पे कौन वैल्यू प्रयोग होगा ये हमसे पूछा है, तो यस, इससे एक जीरो यहां कैंसिल हो रहा है, अब यहां 10 से गुणा 13 से भाग, तो यक्ष इक्वल टू हो जाएगा 10.4 × 10/13, तो 10 से गुणा करेंगे 0.5 हट जाएगा, 104 हो जाएगा, और 13 × 8 = 104, टोटल 8 ही आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पहाड़ा वगैरह भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, 10 से गुणा करेंगे केवल 104 हो जाएगा, तो 13 × 8 = 104, 8 आ गया। हाँ, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, 2 घंटा आप लेके चलिए, 2 घंटा बराबर एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन में कई घंटा होता है 24 घंटा, कितना प्रतिशत है यक्ष प्रतिशत, तो यक्ष वही मतलब कितना भाग है, 2 घंटा जो है एक दिन का क्या प्रतिशत है, तो मान लेते हैं यक्ष प्रतिशत है, तो 24 एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटे, दिन रात मिला के एक दिन होता है, तो हो गया 24 घंटे का कितने प्रतिशत यक्ष प्रतिशत, यही यक्ष की वैल्यू आपको ज्ञात करना है जो आ जाए, यस। तो चलिए अब यहां तिरुगुणा करेंगे, 100 से गुणा 200 हो जाएगा, 200/24, यक्ष बराबर हो जाएगा 200/24 या 100/12, 2 से सरल कर लेंगे, 100/12 आ जाएगा, तो 4 से कटेगा ये, 4 × 5 = 100 में 100 और 4 × 3 = 12, 25/3, 4 × 3 = 12,
और चार दुनिया आठ, चार पच्चीस बीस, 25/3%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अच्छा सवाल था, पढ़ने में भी थोड़ा सा लग रहा है कुछ। दो घंटे एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटा होता है एक दिन में, एक दिन का कितने प्रतिशत है, एक दिन का क्या प्रतिशत है, तो क्या प्रतिशत मतलब x प्रतिशत है, तो x बटे 100 कर लेंगे, x कितना हो जाएगा, अब आपसे ये पता चल गया। तो दो घंटा एक दिन का 25/3% भाग है, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सातवां सवाल देखा जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये चीज बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नवाचक का 30% प्लस 64 का 5/8 = 121, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो हम x लेकर चलते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मान लेते हैं प्रश्नवाचक के स्थान पे x आएगा, तो x का 30% 30/100 लिख दिया, प्लस 64 का 5/8 का मतलब गुणा 5/8 से गुणा, ये बराबर है 121। यही आपको कैलकुलेशन करना है, यस। तो ये यहाँ पे हो रहा है एक जीरो, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 8 × 28 = 64 हो रहा है, इतना हो रहा है। तो x गुणे 3/10, यहाँ ये चीज हो रहा है 121, तो वहां दिया है 8 × 5 = 40, उस तरफ ले जाके क्या करेंगे, घटाएंगे, कैलकुलेशन छोटा करेंगे थोड़ा। तो चलिए 40 घटा ही लेते हैं, कितना आता है, तो हमें लगता है 81 शायद बचे घटाने के बाद, तो एक आ जाएगा, 1 - 0 = 1, और 12 में से 4 = 8, 81 हो रहा है x गुणे 3/10 करने पे, तो 10 से गुणा 3 से भाग, तो x इक्वल टू हो जाएगा 810 में 3 से भाग देंगे हम लोग, यस, 10 से गुणा 3 से भाग, तो 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 3, 7 = 21, 270, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक तो सवाल आपका ये हो गया। अब एक लास्ट बचता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फिर वही सवाल लगभग है और थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, ये देखते हैं। 1605 का 4/5 = 5080 - question, प्रश्नवाचक, तो क्वेश्चन का स्थान क्या रख देंगे, यस, वही आपको पूछ, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3461, बी 3781 और 3771, लास्ट में कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। 1605 का 4%, यहां देखते हैं 1605 का 4/5 का मतलब गुणा हो, जब का आ जाए उसका मतलब गुणा करना है, प्लस 5080 का 30%, मतलब 30/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर दिया है 6589 माइनस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का स्थान पर हम लिखेंगे यक्स, यक्स हमें फाइंड करना है, यक्स इधर इतना है, यक्स को इस तरफ ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर जो है वो 6589 ये लिखो, और इन दोनों को गुणा कर करके उधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो सब लोग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 × 84 इसका हो गया। अब ये गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24 हो गया, 3 × 5 = 15 ये हो गया। अब ये दोनों नेगेटिव जोड़ के पॉजिटिव वाले में से घटाना है, नेगेटिव जोड़ने के लिए अलग से देख लीजिए आप, ये है 12 = 84 और 15 = 24, तो 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 0, 1 + 6 = 2 = 8, ये 28 इतना आ रहा है, इसमें से घटा लेंगे तो हमें तो हमारा इतना आया। तो अब x बराबर, x के लिए हम लोग 6589 में से इन दोनों का योग आया है 2808, ये घटा लेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, 9 से 8 = 1, यहाँ 8 हुआ, ये 15 में से 8 = 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 = 3, 3781, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो यहाँ विद्यार्थी जितना प्रतिशत वाले में जितने टाइप का सवाल बनता था उतना हम आपको बता चुके हैं, और इससे ज्यादा इसमें कुछ बताना नहीं, बस दो चार सवाल का अभ्यास आपको कर लेना है, यहां से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।